यह मेरे पास ओप्पो A37 का मदरबोर्ड। इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें टच नहीं चल रही थी, फोल्डर चेंज करने के बाद भी, चाहे फोल्डर ओरिजिनल लगा लिया और लोकल भी लगा लिया पर टच वर्क नहीं कर रही थी। तो इसका सलूशन ये था कि मैंने जो है, देखो आपको दूसरा मदरबोर्ड दिखाता हूँ, इसमें ये टच आईसी है, इसके ऊपर देखो कैपेसिटर लगा हुआ है, वो शॉर्ट था, मैंने हटा दिया, बट फिर भी ये सलूशन नहीं हुआ। कभी टच वर्क कर देती थी अपने आप, पर कभी जो है अपने आप चलनी बंद कर दी थी। तो उसके बाद मैंने ये देखो, ये टच आईसी है, यहाँ से शील्ड निकाली, देखो ये रही शील्ड, आप भी आराम से निकालना इस शील्ड को। और इसे निकालने के बाद मैंने पेस्ट लगाया, पेस्ट लगाने के बाद SMD से हीट किया, जिससे कि थोड़ा ध्यान दें ये टच जहाँ कनेक्टर है ये ना जले, इस पर कुछ हीटिंग टेप या फिर कोई शील्ड लग के तब जाके आराम से हीट करना। उसके बाद जब मैंने देखा, ये करने के बाद मैंने मदरबोर्ड बोर्ड में लगाया तो टच प्रॉपरली काम करने लगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए, देखो हो गया इसका समाधान। एकदम बढ़िया वर्क कर रही है, आप भी ट्राई करें अगर आपको ऐसे, आपके पास ऐसा फोन आता है तो इस प्रॉब्लम में। थैंक यू, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।